इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है? ये ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं कि जब हम इनको लो कंसेंट्रेशन में यूज करते हैं, दे बिहेव लाइक इलेक्ट्रोलाइट्स, दे बिहेव लाइक इलेक्ट्रोलाइट्स, दे फॉर्म ट्रू सॉल्यूशंस। बट अगर हम इनको हायर कंसेंट्रेशन में यूज करते हैं, देन दीज पार्टिकल्स, दीज इलेक्ट्रोलाइट्स, दे कंबाइन टूगेदर, दे गेट एसोसिएटेड टूगेदर टू फॉर्म माइसिल्स, ठीक है, टू फॉर्म एसोसिएटेड कोलॉइड्स विच आर कॉल्ड माइसिल्स। सब्सटेंसेस जो हैं एट लो कंसेंट्रेशन दे बिहेव लाइक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, सिंपल इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह बिहेव करते हैं, देन एंड दे फॉर्म ट्रू सॉल्यूशंस। बट एट अ सर्टेन टेम्परेचर एंड अ सर्टेन कंसेंट्रेशन, ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम कहते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर, ये कल भी बताया था आपको, ठीक है, राइट, एंड अबव अ पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन दैट इज कॉल्ड सीएमसी, विच इज कॉल्ड क्रिटिकल माइसिल कंसेंट्रेशन, क्रिटिकल माइसिल कंसेंट्रेशन। These electrolytes or substances or molecules or ions, they get associated to form micelles. ठीक है, और ये कौन से substances होते हैं? ये ज्यादातर होते हैं surface active agents. These substances are normally surface active agents. For example, soaps and detergents. For example, soap एंड डिटर्जेंट्स, ठीक है। नाउ सोप क्या होता है? व्हाट इज सोप? सोप इज सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड, सॉरी, सोडियम, सोप क्या होता है? इसकी डेफिनेशन आ सकती है एक नंबर के क्वेश्चन में, व्हाट आर सोप, व्हाट आर सोप्स, ठीक है। तो सोप इज अ सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स क्या होते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें आर यानी कि हाइड्रोकार्बन चेन जो है वो बहुत लंबी होती है, ठीक है, मोर देन 6-7 कार्बन एटम और 10 कार्बन एटम, ठीक है, तो उनको हम फैटी एसिड्स कहते हैं, होते वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स ही हैं, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? RCOOH, ठीक है। तो सोप क्या होता है? सोप इज सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या फैटी एसिड, हायर फैटी एसिड, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सोडियम स्टीरेट, सोडियम स्टीरेट का फॉर्मूला है CH3CH2 16 टाइम्स, COO नेगेटिव, Na पॉजिटिव, ठीक है, राइट। सो दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ सोप, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे सोप्स होते हैं, सोडियम स्टीरेट, सोडियम पामेटेट, ठीक है, सोडियम ओलिएट एक्सेट्रा, उसमें आर ग्रुप, ये वाला जो आर ग्रुप है ये डिफरेंट होगा, ये वाला पार्ट सेम होगा, राइट, ठीक है। सो ये जो सोप है, व्हेन इट इज डिसॉल्वड इन वाटर, इनको हम सरफेस एक्टिव एजेंट्स बोलते हैं, सोप्स हो गए, डिटर्जेंट्स हो गए, ठीक है, एंड दे आर ऑल्सो नोन एज सर्फेक्टेंट्स, सर्फेस एक्टिव एजेंट्स या सर्फेक्टेंट्स, ठीक है, राइट। सो व्हेन दीज आर डिसॉल्वड इन वॉटर, दे गेट डिसोशिएटेड इन टू आयंस, दे गेट डिसोशिएटेड इन टू आयंस। आर सी ओ ओ नेगेटिव पार्ट अलग हो जाता है, एन ए पॉजिटिव अलग हो जाता है, ठीक है। ये जो RCOO नेगेटिव वाला पार्ट है, राइट, दिस इज सर्फेक्टेंट आयन या सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल। नाउ दिस हैज फर्दर टू पार्ट्स, इट फर्दर हैज टू पार्ट्स, और इसका जो स्ट्रक्चर है इट इज दिस स्ट्रक्चर, ये जो मैंने बनाया है, ये देखिए, दिस इज सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल, सरफेस एक्टिव एजेंट, ठीक है, इट हैज टू पार्ट्स। अब ये वाला जो RCOO नेगेटिव वाला पार्ट है, इट हैज टू पार्ट्स, वन इज R ग्रुप एंड वन इज दिस COO नेगेटिव ग्रुप। Na पॉजिटिव निकल गया, वो पानी में है, राइट। ये जो RCOO नेगेटिव वाला है, राइट, दिस इज सर्फेक्टेंट आयन या सरफेस एक्टिव एजेंट, और इसके दो पार्ट्स हैं फर्दर, R एंड COO नेगेटिव। R is a tail, ये है
टेल पार्ट, दिस इज नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक टेल. आर क्या है? हाइड्रोकार्बन. ठीक है, आर इज हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑफ दिस सोप आयन. ठीक है, और ये जो पोलर पार्ट है, ये जो हेड है, इसको हम कहते हैं हेड. सो हेड पार्ट इज अ पोलर हाइड्रोफिलिक पार्ट. हाइड्रोफिलिक मीन्स वॉटर लविंग, हाइड्रोफोबिक मीन्स वॉटर हेटिंग. ठीक है, सो आर इज अ टेल पार्ट विच इज नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक टेल, एंड दिस पार्ट इज अ पोलर हाइड्रोफिलिक हेड, COO नेगेटिव. ठीक है, अब माइसिल फॉर्मेशन कैसे होती है और सोप कैसे काम करते हैं, कैसे कपड़े धोने में हेल्प करते हैं. ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ सोप एक्शन क्या है? जब बेटा ये लो कंसंट्रेशन में प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो ये डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स होंगे, अलग अलग होंगे, दूर दूर होंगे. ठीक है, दे आर स्कैटर्ड, राइट. और जैसे ही इनकी कंसंट्रेशन अबव सीएमसी जाएगी, अबव सीएमसी मींस क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन, तो दीज सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स या आयंस, दे विल गेट एसोसिएटेड टू फॉर्म दिस एसोसिएटेड कोलॉइड, और इट इज कॉल्ड माइसिल. ठीक है, जब लो कंसंट्रेशन में डाल रहे हो, मैं फिर से दिखा देती हूं. जब लो कंसंट्रेशन में है ये सोप या डिटर्जेंट या सरफेस एक्टिव एजेंट्स, तो ये मॉलिक्यूल्स डिस्क्रीट हैं, दूर दूर हैं. ठीक है, एग्रीगेट नहीं कर रहे हैं, लो कंसंट्रेशन पे हैं. लेकिन जैसे इनकी कंसंट्रेशन हायर होगी, बढ़ती जाएगी, और एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे, जिसको हम कहते हैं क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन, तो उस कंसंट्रेशन से ऊपर ये एग्रीगेट कर जाएंगे टू फॉर्म माइसिल. राइट, सो इस तरीके से माइसिल की फॉर्मेशन होती है. अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि सोप किस तरह से मतलब क्लिंजिंग एक्शन ऑफ सोप क्या है. राइट, तो सोप में, सोप या डिटर्जेंट भी जब आप पानी में घोलते हो, जब लो कंसंट्रेशन में है वो ट्रू सॉल्यूशन है, लेकिन हायर कंसंट्रेशन पे यानी कि अबव सीएमसी, उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इस तरह से एग्रीगेट कर जाएंगे, एसोसिएट कर जाएंगे, और माइसिल की फॉर्मेशन होगी. राइट, अब ये टेल पार्ट जो है अंदर की तरफ है, यानी कि नॉन पोलर पार्ट अंदर की तरफ है, और जो पोलर पार्ट है वो बाहर की तरफ है. ये दिख रहा है आपको आसपास, ये जो पोलर हेड ग्रुप है ये पानी की तरफ है. ठीक है, सो पोलर पार्ट जो होगा वो वाटर लविंग पार्ट है, यानी कि वो पानी की तरफ होगा, और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है दैट इज इनवर्ड्स. राइट, और ये जो बना है इसको हम कहते हैं कोर. दिस इज कोर, कोर ऑफ माइसिल कैविटी, कोर, या दिस इज नोन एज कैविटी ऑफ द माइसिल. राइट, तो जब आप कपड़े धोते हो तो ये जो सोप मॉलिक्यूल्स हैं, ये डर्ट, सपोज कर लो कि ये यहाँ पे डर्ट है या ऑयल है या ग्रीस है कपड़े के ऊपर लगी हुई. ठीक है, डर्ट पार्टिकल्स हैं, तो ये जो माइसिल्स हैं ये डर्ट पार्टिकल के आसपास अपने आप को एसोसिएट कर लेंगे, माइसिल फॉर्मेशन हो जाएगी. और ये क्योंकि हाइड्रोफोबिक पार्ट है, डर्ट भी आपकी हाइड्रोफोबिक है या ऑयली है या ग्रीजी है, वो नॉन पोलर है. राइट, ठीक है, तो वो इसके साथ इंटरेक्ट करेगी हाइड्रोफोबिक टेल्स के साथ, और जब आप उसको पानी के साथ वॉश करोगे, इट विल वॉश अवे विद दिस माइसिल. ठीक है, तो पानी के साथ जब हम वॉश करेंगे तो ये पूरे माइसिल अलोंग विद द डर्ट पार्टिकल ये निकल जाएगी, और इस तरह से आपके कपड़े धुलते हैं. सो दिस इज द सोप एक्शन, क्लिंजिंग एक्शन ऑफ सोप. ठीक है, ये डिसोशिएट हो रहे हैं इनटू आयंस, तो इसलिए ये जो माइसिल बन रहा है इसको भी हम आयनिक माइसिल कहते हैं. ठीक है, इट इज कॉल्ड आयनिक माइसिल्स, और ये आयनिक माइसिल्स भी कैटायनिक सर्फेक्टेंट्स, मतलब सर्फेक्टेंट्स भी तीन चार तरह के होते हैं, कैटायनिक सर्फेक्टेंट्स, एनायनिक सर्फेक्टेंट्स, नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स. ठीक है, तो इनको हम आयनिक माइसिल्स कहते हैं. राइट, अब इसी तरह से जैसे सोप का एक्शन है, बिल्कुल सेम इसी तरह से डिटर्जेंट्स का है. नाउ व्हाट आर डिटर्जेंट्स, मैं डिटर्जेंट्स का भी बता देती हूँ. डिटर्जेंट्स लिख लो आप लोग भी. सो डिटर्जेंट्स क्या होते हैं? दे आर फॉर एग्जांपल सोडियम लोराइल सल्फेट, यानी कि जैसे सोप होते हैं, सोप है सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स. राइट, डिटर्जेंट्स होते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड्स. फॉर एग्जाम्पल
फॉर एग्जाम्पल सोडियम लोराइल सल्फेट, ठीक है, इसका फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, ये है फॉर एग्जाम्पल CH3CH2 11 टाइम्स, ठीक है, सल्फेट एंड Na पॉजिटिव, राइट। एंड डिटर्जेंट्स जो होते हैं दे आर जनरली एनायनिक सर्फेक्टेंट्स, दे आर एनायनिक सर्फेक्टेंट्स, एनायनिक, क्योंकि इसका देखो जब इस डिटर्जेंट को आप पानी में डिसॉल्व करोगे ये डिसोशिएट होगा, राइट, कैसे डिसोशिएट होगा, ये वाला पार्ट अलग होगा और ये Na पॉजिटिव वाला पार्ट अलग होगा, राइट। तो ये वाला जो पार्ट है सल्फोनिक एसिड वाले वाला पार्ट जो है इसका, ये एनायनिक है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स जो हैं दे आर एनायनिक सर्फेक्टेंट्स। अगर यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट हो और जो पानी में जा रहा है वो नेगेटिव पार्ट हो तो फिर वो केटायनिक सर्फेक्टेंट होता है। का भी दे देती हूँ, केटायनिक सर्फेक्टेंट, केटायनिक सर्फेक्टेंट का एग्जाम्पल है फॉर एग्जाम्पल CTAB की फुल फॉर्म है सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, ठीक है, सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। सिटाइल का मतलब होता है 16 टूटेगा तो ये पार्ट जो है वो होगा सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल, ठीक है, सर्फेक्टेंट आयन जिसने माइसिल बनाना है, तो ये पॉजिटिव पार्ट है, सो इसको हम कहेंगे कि केटायनिक सर्फेक्टेंट।